हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियां हो चुकी हैं शुरू, तो सर्दियों की सब्जियां ख़त्म होने वाली हैं, तो हमें गर्मियों की सब्जी से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे कि लौकी, तरोई, करेला, भिंडी, यही सब सब्जियों से। इन सब बोरिंग सब्जियों को कभी कभी बच्चे खाने से मना कर देते हैं, कभी कभी बड़े लोगों को भी ये सारी सब्जियां नहीं पसंद होती हैं। जैसे कि मेरे भाई को ही देख लो, उसको कद्दू खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो किसी को करेला नहीं पसंद है, किसी को लौकी नहीं पसंद है, किसी को कद्दू नहीं पसंद है, तो फिर बनाए तो बनाए क्या। तो यहाँ पे यही सारी सब्जियाँ होती हैं जो हमको बनानी पड़ती हैं। हम कोशिश करते हैं क्यों ना हम अलग अलग तरीके से इनको बना सकें। तो देखिए, बातों बातों पे मैंने दो लौकियाँ तोड़ ली। इसके बाद मैं उनको अच्छे से वॉश करके पीलर की मदद से छिलका हटा दिया। इसके बाद में फटाफट से प्याज, टमाटर और मिर्च को बारीक बारीक काट लिया, साथ में आलू के भी छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे, और यहाँ पे हमने लौकी को भी काट करके ले लिया था। देखिए, आलू को हमने साइड में किया, लौकी को उस पर एडजस्ट कर दिया। इसके बाद में हमने लिया यहाँ पे दलिया। दलिया मैंने यहाँ पे पहले ही भून कर रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो रोज़ हम दलिया नहीं भून सकते हैं। आप भी चाहें तो दलिया को लीजिए और एक बार रोस्ट करके ठंडा होने के पश्चात एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत निकालें और बना लें। तो ऐसे आपका दलिया कभी ख़राब नहीं होगा, उस पे कीड़े नहीं पड़ेंगे और आपके समय की भी बचत होगी। इसके बाद में चलिए हमारी रेसिपी शुरू हो जा रही है। उसके लिए हमने लिया यहाँ पे एक कुकर। कुकर में सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे सरसों के तेल में ही अपनी लगभग सारी सब्जियाँ डिशेस बनाते हैं, तो वैसा ही मैंने आज भी किया। इसके बाद में उसमें डाल दिया जीरा। जीरा को चटकने दिया। जैसे ही हमारा जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, हम वहाँ पे डाल देते हैं प्याज को। प्याज डालने के बाद में उसकी थोड़ी सी देर चला जरूर लीजिए, ताकि आपका जो प्याज है वो अच्छे से तेल में रोस्ट हो सके और रोस्ट होने के बाद में गोल्डन ब्राउन हो सके। फ्रेंड्स, आप अभी इस स्टेज में मिर्च को नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मिर्च तेल से बाहर होगी तो वो तुरंत गले में लगने लग जाएगी। इस वजह से जैसे ही आपका प्याज पके, आप तभी मिर्च को डालेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे अब मिर्च को डाल दिया है। मिर्च डालने के बाद में उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद में बारी आती है आपके आगे की सब्जियाँ डालने की। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने सब्जियां काट के धुल करके रखी ली हैं, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है कि आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपकी मिर्च भी पक कर के हो जाएगी रेडी, हम यहाँ पर डाल लेंगे टमाटर को। तो फ्रेंड्स, टमाटर डालने के बाद में आपको एक ज़रूरी काम करना पड़ेगा कि आप जैसे ही टमाटर डालें, उसमें दो चुटकी नमक ज़रूर डाल दें, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल सके। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो सब्जी में टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ा देती हैं। फ्रेंड्स, तो अब बारी आ चुकी थी टमाटर डालने की। तो देखिए, हमने यहाँ पे टमाटर डालने के बाद में उसको अच्छे से चला दिया है, ताकि टमाटर के साथ में आलू भी हमारे थोड़े से रोस्ट हो सकें। जैसे ही हमारे आलू 5 मिनट में रोस्ट होकर हो जाएंगे रेडी, तुरंत हम डाल लेंगे यहाँ पे लौकी। लौकी डालने के बाद में हम फिर से वही पहले वाली प्रक्रिया को दोहराएंगे। हम लौकी को भी अच्छे से बाकी चीज़ों के साथ में मिलाते हुए उसको भी तल लेंगे। जैसे ही लौकी भी तल करके हो जाएगी रेडी, हम उठाएंगे मसाले वाला डिब्बा और मसाले डालने स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बहुत ही कम और बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले का यूज़ किया है। हमने यहाँ पे डाला था बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हल्दी और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। नमक अभी आप थोड़ा डाल लीजिए, बाकी का बाद में डालिए, क्योंकि आपको हो सकता है आइडिया ना लगे। मुझे आइडिया था, इस वजह से मैंने अभी डाल लिया है। अगर मुझे कम लगेगा तो बाद में मैं और डालूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हल्दी वगैरह भी थोड़ी ही डाली है कलर के हिसाब से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, ना ही धनिया पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हम तहरी नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं दलिया। दलिया जितना ही सिंपल होता है, जितना ही कम मसालों वाला होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है और टेस्टी और हेल्दी भी रहता है।
मसाले डालने के बाद में इसको चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्लेवरफुल हो सकें और इनका टेक्सचर जो है वो उभर कर सामने आए। आप मसाले डालने के बाद भी 5 मिनट इंतज़ार करिए जब तक आपके मसाले अच्छे से खुशबू नहीं देने लगते हैं। इसके बाद में आपको डालनी है वही भुना हुआ दलिया जो कि मैंने पहले से भून करके रखा हुआ था। अब आप जैसे ही दलिया डालेंगे उसको भी अच्छे से बाकी सब्जियों के साथ में मिला लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स दलिया बनाया हुआ है इस वजह से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे सारी सब्जियों के साथ में। फ्रेंड्स, अगर आप सर्दियों में दलिया बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मटर, गाजर, गोभी, हम कुछ भी डाल लेते हैं। लेकिन अगर हम गर्मियों में बनाते हैं तो हमारे पास वही आलू टमाटर के अलावा कुछ नहीं होता है। हमने यहाँ पे लौकी डाली है, कभी कभी हम तरोई का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल तरोई में भी बना लेते हैं, आलू के साथ में लौकी के साथ भी बना लेते हैं। चूँकि हम यहाँ पे बना रहे थे गीला वाला दलिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो सूखा दलिया भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको पानी कम मात्रा में डालना होगा ताकि ये खिला खिला तहरी की तरह पुलाव जैसा दलिया बनकर तैयार हो जाए। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको सूखा दलिया भी बनाना सिखा दूँगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको चला दिया है, हमारा पानी लगभग बॉयल होने लग गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको टेस्ट करके देख लीजिए, आपको नमक की मात्रा पता चल जाएगी। अगर आपको लगे कि नमक और डालना चाहिए तो आप डाल लीजिए, अगर आपने पहले कम डाला हो तो आप बाद में एडजस्ट कर लीजिए। इस स्टेज पे ही आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बाद में आपके पास नमक डालने का ऑप्शन नहीं बचेगा अगर एक बार आपका दलिया बन करके रेडी हो गया तो। इसके बाद में अगर आप चाहें तो इसको ढकने से पहले इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं ताकि जो आपका दलिया है वो एकदम स्मूथ बने और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच के लगभग घी डाल दिया था क्योंकि हमें घी बहुत पसंद है, इस तरीके से हम घी को खा सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसको तुरंत बंद कर दिया था। बंद करने के बाद में चूँकि आपने सब्जियों को छोटा छोटा काटा, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटी लगाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सीटी मत लगाइए वरना आपकी जो सब्जियाँ हैं वो पूरी तरीके से गल जाएंगी और दलिया वाली फील नहीं आएगी। दलिया और सूप वगैरह बनाने के लिए आप 1 या 2 सीटी का ही इस्तेमाल करें, कभी भी 3 सीटी ना लगाएं। तो देखिए, हमारी 2 सीटी आ गई थी। इसके बाद में मैंने गैस निकलने का वेट किया, वेट करने के बाद में जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हो गया मैंने तुरंत दलिया को यहाँ पे चला दिया। आप भी इसी तरीके से चलाइए, आप देख सकते हैं दलिया ऊपर पतला और नीचे गाढ़ा था, चलाने के बाद में ये बराबर मात्रा में आ गया है और ठीक इसी तरीके की कंसिस्टेंसी मुझे दलिया खाने में पसंद है। बाद में मैंने यहाँ पे डाला धनिया और धनिया पत्ते से इसको गार्निश कर दिया। फ्रेंड्स, तो लीजिए, दलिया बनकर तैयार है। आप इसको कभी भी सुबह ब्रेकफास्ट में, ब्रंच में या रात के डिनर में भी खा सकते हैं। जैसे ही आप कभी शादी वगैरह से लौटें, अगर आपको कुछ हैवी नहीं खाना हो तो आप इसको खा सकते हैं। इसको खाने के लिए आपको बिल्कुल भी सब्जी, रोटी, चावल जैसी चीज़ें बनाने की झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब